ओके हाय गाइस, वेलकम बैक। और जैसे बैंकों में होता है ना कि आप लंच पे ब्रेक ले लेते, आप किसी काम से जाए या फिर बैंक के कर्मचारी, तो हमने भी एक छोटा सा ब्रेक ले लिया। रीजन दो थे, पहला तो लंच टाइम क्योंकि सबको लंच करना था, एंड दूसरा जो इम्पोर्टेंट कि हमारे बैटरी जो हो गई थी डाउन मोबाइल की, तो वापस से रिफिल कर लिया हमने बैटरी और फुल ऑन फिर से उसी एनर्जी के साथ वापस आ गए। तो आज का दिन मेरा बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा। मैं यहाँ पे NSU में आया हूँ, नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी, और जो अभी तक एक्सपीरियंस रहा है पूरे कैंपस को घूमने का वो बहुत ही अमेजिंग रहा है। हमने ऑलमोस्ट आपको जितने लैब्स है, जितने क्लासरूम, रनिंग क्लासरूम में आपको लेके गए, यहाँ पे फैकल्टी, यहाँ पे एक्सपर्ट्स से आपको मिलवाया, बताया, आपको बेहतर हमने मदद की ताकि आप इस कैंपस को, इस यूनिवर्सिटी को समझ पाएं। और अब इसका दूसरा अध्याय शुरू होता है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। हम आपको कुछ एक लैब और दिखाएंगे, एडमिशन प्रोसेस और यहाँ के जो सारे तौर तरीके हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो वर्क है वो सारा चीज़ बताएंगे। एंड फाइनली लास्ट में, आखिर में, हम इंट्रैक्शन करने वाले हैं यहाँ के स्टूडेंट से, विच इज़ गोइंग टू बी अ फन इंट्रैक्शन एंड आई एम श्योर यू गोना लाइक इट। लेकिन इस समय एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजेश सर। सर, आपका फिर से स्वागत है। धन्यवाद। लंच ब्रेक पर हमने काफी मस्ती कर ली। बढ़िया एकदम। साथ में डॉक्टर प्रमोद सर, आपका एक बार फिर से स्वागत है। नमस्ते सर। और आज हम क्या देखने जा रहे हैं डॉक्टर प्रमोद सर? मैं आज अपने लैब को दिखाने जा रहा हूँ बच्चों के लिए, जो हमारा जूलॉजी का लैब है। इसमें हमारे UG PG बॉटनी के बच्चे और रिसर्च के बच्चे हमारे लैब में काम करते हैं। और एक चीज मुझे बताते हुए काफी खुशी हो रही है कि इसी लैब से हमारे एक रिसर्च ने, हमारे एक PhD के बच्चे ने अपना काम किया था, जिसने अपना पेपर साउथ कोरिया में प्रेजेंट किया डायबिटीज के ऊपर, और आज वो इंडिया से फर्स्ट स्टूडेंट सेलेक्ट होकर उसका पेपर जो साउथ कोरिया में गया वो हमारे लैब से है। तो ये मुझे काफी खुशी हो रही है। हम अपने बच्चों को प्रमोट करते हैं और हमारा लैब काफी हाईफाई लैब है। हमें पूरा सपोर्ट मिलता है अपने मैनेजमेंट से और इससे हमारे बच्चों को काफी कुछ सीखने को मिलता है। अभी हमारे लैब में प्रैक्टिकल चल रहे हैं, मैं चाहूंगा सर कि आप लोग चलें और उसको हम लोग दिखाएं। आइए सर। तो सीधा चलते हैं हम बॉटनी जूलॉजी के लैब में। मेरा तो बहुत ही पहला एक्सपीरियंस होने वाला है और देखते हैं इस लैब में होता क्या है, जो स्टूडेंट्स है वो क्या सीख रहे हैं और हमारे एक्सपर्ट्स बताएंगे कि एक्चुअली में वहाँ क्या परफॉर्म किया जा रहा है। कैमरे के पीछे एक बार फिर से मेरे भाई सोनू है जो हमारी हेल्प कर रहे हैं। प्रैक्टिकली चीजों को डेमोंस्ट्रेट करना और लोग बच्चों को प्रैक्टिकल ओरिएंटेड एजुकेशन देने के लिए जाना जाता है। आइए जी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑलरेडी यहाँ पर एक प्रैक्टिकल परफॉर्म किया जा रहा है। सर, ये मेरा जूलॉजी लैब है, इसमें हमारे पास बहुत एडवांस इंस्ट्रूमेंट है और उस इंस्ट्रूमेंट के बारे में सर मैं 2 मिनट थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूँ, जो हमारे बच्चे नए एडमिशन लिए हैं और जो हमारे बच्चे काम कर रहे हैं उसके बारे में। तो जैसे ये हमारा लैब है, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास सारे इंस्ट्रूमेंट है। जैसे हमारे पास वाटर बाथ है, हॉट एयर ओवन है, अपना ये स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, ये हमारे पास इसके ऑटोक्लेव है, और ये सबसे एडवांस इंस्ट्रूमेंट जो हमारे पास कूलिंग सेंट्रीफ्यूज है, जिसके द्वारा हम लोग DNA RNA प्रोटीन का सेपरेशन करते हैं। okay. ये हमारे सहयोगी हैं सर, जो आज बच्चों को डेमोंस्ट्रेट कर रहे हैं कि प्रॉन का कैसे हम लोग उसका अब डिसेक्शन करते हैं और उसके डिफरेंट नर्व पार्ट वगैरह को कैसे आइसोलेट करते हैं। तो ये हमारे BSc सेकेंड सेम के स्टूडेंट है जो इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म कर रहे हैं। तो सर बताएंगे कि कैसे ये अपने कर रहे हैं। ओके, तो आइए पहले तो सबसे पहले सर का परिचय लेते हैं। सर, आपका स्वागत है हमारे फेसबुक लाइव पर। अपने बारे में थोड़ा बताइए। गुड आफ्टरनून सर। आपका नाम? मेरा नाम सुमित कुमार महतो है। ओके सर, क्या कर रहे हैं आज हम? आज हम लोग डिसेक्शन कर रहे हैं प्रॉन के। प्रॉन बोले तो चिंगड़ी। चिंगड़ी, ठीक है। चिंगड़ी का हम लोग देख रहे हैं नर्वस सिस्टम। जी ठीक है, अब देख पा रहे हैं ये नर्वस सिस्टम है। ठीक है, ये एब्डोमिनल रीजन का हम लोग देख रहे हैं। ये अभी जो दिख रही है ये एब्डोमिनल का गैंग्लियन है। ठीक है, ये आउटर कैरापेस है, ये टिल्सन रीजन है, दीज आर दी एंटेना ओके एंटेन्यूल। और बेसिकली अभी हम लोग देख ही रहे हैं, अभी तक पूरा हुआ नहीं कम्प्लीट। ये नर्वस सिस्टम एक स्मॉल सा दिख रही है आपको, नर्व स्लेप का, ये है नर्वस सिस्टम। ठीक है, और थोड़ा सा बाकी है। इतनी बारीकी होती खाते समय हम लोग सोचते नहीं है यार। नहीं बच्चों का एक्सपीरियंस जानते हैं। व्हाट्स अ गुड नेम? और क्या क्या डिया डिया सोनकर बताओ। पे किए हैं, कॉकरोच का किए हैं, मैमल्स में रैट का किए हैं। वाओ, सो बताओ आपके एक्सपीरियंस बताओ, मतलब कि क्यों जरूरी है इस तरह का प्रैक्टिकल नॉलेज? To understand the technique, the things better, no? वो बता पाएंगे बेटा। बताओ आप, बताओ। Actually हम लोग practical exam भी देना रहता है, तो फिर it's basically very important to know how it functions, different part of the body we have to know. जी।
एंड आपको मजा आता है यहाँ पे? यस ऑफ कोर्स। तो डर लग रहा है। नो आपको मजा। यस सो यू आर लाइक वेरी कीन टू लर्न दिस थिंग्स। यस ओके। तो देखिए सुमित सर कितनी बारीकी से काम कर रहे हैं यहाँ पर, एंड लेमैन के तो समझ से बाहर है, लेकिन आप समझ सकते दिस इज अ प्रैक्टिकल क्लासेस एंड अमेजिंग। अगर मैं आधे घंटे इनके साथ रहा तो मैं भी एक्सपर्ट बन जाऊंगा, कुछ ना कुछ तो सीख ही जाऊंगा। फिर पापा चिंगड़ी लेंगे तो फिर मैं यही सब करता रहूंगा। बट अमेजिंग अमेजिंग। आप ये नर्वस सिस्टम पूरा क्लियर देख सकते हैं जी, जी जी। और ये जो है ये एब्डोमिनल गैंग्लियंस है, एंड इसके अपर साइड में आपको दिखेगा वो थोरेसिक रीजन का जो अपेंडिसेस है, जो हम लोग चिंगड़ी के जनरली पैर देखते हैं ना जी, वो सारे नर्व से अटैच्ड रहती है ये। वाओ। ये जो देख रहे हैं ये सारे एब्डोमिनल गैंग्लियंस हैं ये। ओके ग्रेट। तो सर डिफरेंसेस कुछ नहीं, इतना खास नहीं है, ये थोड़ा छोटा स्पेसीज है और ह्यूमन बॉडी एनाटॉमिकल हम लोग थोड़ा लार्ज स्केल में करते हैं और इस लैब में हो नहीं पाएगा। वाओ। लेकिन देर आर मोर थिंग्स विच वी कैन एक्सप्लोर, लाइक आई कैन सी कुछ और स्पीसीज यहाँ पर। आइए बताइए सर, आइए सर प्लीज बताइए सर। ये जो आप लोगों के अभी कैमरे के सामने ये स्पेसिमेन है जो हमारे जूलॉजी के बच्चे एक्सपेरिमेंट करते हैं सर, इतने सारे जानवर को तो सर हम लोग नहीं पकड़ के ला सकते, बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो सर डीप सी में पाए जाते हैं जी। तो उनके उनको कैसे दिखाएं बच्चों को सर, तो इसके लिए हम लोगों ने क्या किया सर कि स्पेसिमेन दिखाते हैं, इससे हमारे बच्चे उनके करेक्टर के बारे में सीखते हैं कि कैसे वो सर्वाइव करते हैं। नॉट रियल? नो सर, दीज आर नॉट रियल सर, दे आर स्पेसिमेन सर। ऑल दीज आर स्पेसिमेन सर। तो हमारा लैब सर इसमें कम से कम 250 स्पेसिमेन है हमारे पास है, जिसे हमारे बच्चे देखते हैं और सीखते हैं सर। ये सारे इंस्ट्रूमेंट है सर, सारे स्पेसिमेन है सर। तो मेरा तो बहुत ही पहला एक्सपीरियंस है किसी लैब में, एंड यू सी देखो कहने का मतलब यही कि NSU में यू नो यू गेट दिस प्रैक्टिकल नॉलेज जो एक्सपर्ट्स हैं, जो सालों से यू नो मेहनत जिन्होंने करा है। हमारा जो इंस्ट्रूमेंट है सर, इसको हम लोग सर इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं, इसके द्वारा हम लोग सर DNA RNA प्रोटीन का सेपरेशन करते हैं सर। तो यह सबसे एडवांस इंस्ट्रूमेंट है सर, जो हमारे बच्चे सर एनिमल से, प्लांट से, बैक्टीरिया से, वायरस से, उससे अपना DNA को आइसोलेट करते हैं और हम अपने लैब में उसका एनालिसिस करते हैं। वाओ। तो ये सर हमारा इंस्ट्रूमेंट है सर, ये फ्री है सर केमिकल के लिए। उधर सर हमारा पूरा केमिकल जो सर 37 डिग्री वाले केमिकल है वो वहाँ पे हैं, जो हमारे इंजाइम्स वगैरह हैं सर इसके अंदर रखते हैं हम लोग सर। यह हमारा लैब है, काफ़ी बढ़िया लैब सर, इसमें बच्चे हमारे UG और PG दोनों बच्चे हमारे काम करते हैं, और रिसर्च के भी बच्चे जो हमारे अंडर में PhD कर रहे हैं यहीं पर काम करते हैं सर। अमेजिंग सर, इट्स रियली ग्रेट टॉकिंग टू यू, एंड थैंक यू सो मच कि आपने हमें ये पूरा लैब दिखाया और एक प्रैक्टिकल क्लास का हमें हिस्सा बनने का मौका दिया। सो सर वो हमारे बच्चों ने सर ये ह्यूमन बॉडी बनाया है सर, ये हम लोग क्या करते हैं बच्चों को प्रोजेक्ट में ये देते हैं सर कि वो ह्यूमन बॉडी जैसे आपको बना कर लाना सर, ये भी उनका एक करिकुलम का पार्ट है सर। तो ये बच्चे सर अपने पूरा का पूरा ह्यूमन बॉडी सर, ये कैसे सर हम लोग जब खाना खाते हैं सर तो हमारा खाना कैसे हमारे बॉडी में सर डाइजेस्ट होता है, इसका उस बच्चे ने बना रखा है सर। तो सबसे पहले सर माउथ में जब हम लोग खाने को रखते हैं सर, तो माउथ में हमारा सलाइवरी ग्लैंड होता है सर जी। वो सलाइवरी ग्लैंड कहाँ पाया जाता है सर? हमारे लार में पाया जाता है। वो एक इंजाइम है जो हमारे फूड को क्या करता है, डाइजेस्ट करना स्टार्ट करता है सर। तो हमारा जो दांत है वो फूड पार्टिकल को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है, और हमारा सलाइवरी ग्लैंड जो हमारे लार सलाइवा तो उससे क्या होता है कि हमारा फूड का डाइजेशन स्टार्ट होता है। थ्रू ओसोफेगस हमारा जो खाना है वो स्टोमक में चला जाता है। स्टोमक में क्या होते हैं, HCL का सिक्रीशन होता है। इससे क्या होते हैं कि अगर खाने में कोई भी बैक्टीरिया वगैरह जो बाहर से आ गए हो, उस HCL की वजह से वो डेड हो जाते हैं, मर जाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा HCL का जो pH होता है काफी लो होता है, उस pH पे कोई भी ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर सकता। इसके बाद हमारा स्टोमक से जो हमारा खाना होता है वो आगे की ओर बढ़ता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहाँ पर क्या होते हैं कि पैंक्रियाज के द्वारा
हार्मोन का सिक्रीशन होता है, एंजाइम का सिक्रीशन होता है, जिससे हमारा जो फूड है वो डाइजेस्ट होता है और इसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं वो लार्ज इंटेस्टाइन में चले जाते हैं एंड थ्रू एनस या बाहर निकल जाता है। ये हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये हमारे बच्चों ने बनाया और इतना सिंप्लीफाई करके आपने रखा है कि मुझे भी समझ में आ गया है। थैंक यू सर, व्हाट आर द प्रोसीजर, तो बहुत सिंप्लीफाई करके सर ने बताने की कोशिश। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। अब हम आगे प्रोसीड करते हैं। ये डॉक्टर प्रमोद सर थे जिन्होंने बहुत ही अमेजिंग तरीके से बताया एंड अब हम जा रहे हैं दूसरे सेक्शन में, लेकिन थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का अपना कीमती समय देने के लिए, बेस्ट विशेस। सो अब हम चलेंगे एक दूसरे सेक्शन में और जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है वहाँ चलेंगे। तो बहुत सारे लोग बहुत सुबह से आज हमारा लाइव देख रहे हैं, उनको हम दिखाएंगे कि आखिर एडमिशन की क्या प्रक्रिया है, अब तक क्या रिस्पॉन्सेस हैं, कहाँ कहाँ कैसे एनरोल हुए हैं, प्लेसमेंट्स के बारे में थोड़ा बात कर लेंगे। तो हम चल रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक चल रहे हैं। ओके, वहाँ एकेडमिक डीन से मुलाकात होगी जी, प्लेसमेंट डायरेक्टर से मुलाकात होगी, रजिस्ट्रार से मुलाकात होगी, एडमिशन का प्रोसेस के बारे में बताएंगे, एनएसयू के कोर्सेज के बारे में बताएंगे, क्या स्कॉलरशिप्स ऑफर कर रहे हैं उसके बारे में गाइड कर देंगे स्टूडेंट्स को, ताकि उनके लिए डिसीजन लेना ईजी होगा। हमारा जो एजुकेशन फेयर वगैरह हो रहा है बोकारो में, धनबाद में, अच्छा अभी हो रहा है, बता देंगे अभी हो रहा है, हमारा इस सैटरडे को एजुकेशन फेयर शेड्यूल्ड है बोकारो में, ओके, एंड 18th को शेड्यूल्ड है धनबाद में। हम लोग 2nd को होल डे अवेलेबल रहेंगे बोकारो में, आप एंड 18th को होल डे अवेलेबल है धनबाद में, धनबाद में स्काईलार्क पे है एंड बोकारो में सिटी सेंटर मॉल के पास में हम लोग अवेलेबल है, सिटी सेंटर मॉल बोकारो। ऑलराइट, तो वहाँ पे पूरा हमारा एजुकेशन का स्टॉल्स रहेगा, एक्सक्लूसिव एनएसयू स्टॉल्स, जहाँ पे स्टूडेंट्स आ सकते हैं, अपने क्वेरीज को सॉर्ट आउट कर सकते हैं और उस एजुकेशन स्टॉल से जो भी स्टूडेंट एडमिशन लेता है उसको हाईएस्ट स्कॉलरशिप्स ऑफर होते हैं। तो सारे स्टूडेंट्स ऑफ बोकारो को मैं इनवाइट करता हूँ, आइए हमारे एजुकेशन फेयर पे, उसका एडवर्टाइजमेंट भी पेपर पे थर्सडे को आएगा, उसका कटआउट लेके आ सकते हैं आप और जो स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है वो अवेल कर सकते हैं। ऑलराइट, तो फाइनली हम आ गए हैं हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में जो पूरा ऑफिशियल कार्यालय वाला काम है सब, 2006 से जो चल रहा है, सबसे पहला ब्लॉक यही है एनएसयू, यहाँ पे कॉमर्स मैनेजमेंट आईटी की क्लासेस चलती है हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक में, नीचे में पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट्स है और ऊपर में सारे क्लासेस चलते हैं हमारे। ओके, तो अब उन दिग्गजों से बात करेंगे जो पूरा ये कॉलेज संभालते हैं, यू नो जिन्होंने काउंसलिंग रूम है, स्टूडेंट्स आते हैं एडमिशन के लिए जी, तो ये काउंसलिंग रूम में आते हैं वो लोग, यहाँ उनको पूरा गाइड किया जाता है एडमिशन से रिलेटेड। ग्रेट, दिस इज द काउंसलिंग रूम गाइस। सो काउंसलिंग रूम के हम अंदर आ चुके हैं, ये हमारा 2006 से अब तक का जर्नी है एमबीए से रिलेटेड, क्योंकि एमबीए हमारा सबसे फर्स्ट बैच था, उसका जर्नी को हम लोग ऑलवेज शो करते हैं, क्योंकि दिस हैज गिवन बर्थ टू द एंटायर यूनिवर्सिटी। नाइस, 6 से धीरे धीरे देखिए कारवा बड़ा है और जितना बड़ा रुक सीरीज़ बहुत लंबी जर्नी है, 2008, 9, 10, 11, 12, 21 वो सीरीज चलते रहेगा। हमारी मुलाकात कौन से ईयर में हुई? 2012 में मैं आया था सर, 2012 के बाद ही हम लोग मिले। ग्रेट, यहाँ पे हम लोग एकेडमिक डीन से इंटरेक्ट करेंगे पहले, आ जाओ सोनू भाई। हमारे सो ये एनएसयू से आप बिल्कुल लाइव देख रहे हैं हमें, नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी। तो दो लाइव है, अगर आपने पहला लाइव मिस किया है तो इससे पहले एक और लाइव वीडियो है, उसको जरूर चेकआउट कर लेना आप लोग, एंड दिस इज द सेकेंड लेटेस्ट वीडियो जो अभी लाइव चल रहा है और इसके बाद दो तीन और इंटरेस्टिंग चीज़ें हम दिखाने वाले हैं। अभी लास्टली इस वीडियो को हम अंत करेंगे एक इंटरेक्टिव सेशन के साथ, तो स्टूडेंट के साथ हमारा एक इंट्रैक्शन होने वाला है, दिस इज गोइंग टू बी अ फन पार्ट, तो आई एम वेरी मच श्योर आपको बहुत अमेजिंग लगेगा। बट यहाँ पे हमारे एकेडमिक डीन सर से हम मुलाकात करने वाले हैं। मेरे बारे में जी मैं यहाँ के एकेडमिक डीन हूँ, प्रोफेसर डी शोम जी। हम इस यूनिवर्सिटी में 2011 से हैं। अच्छा, इसके पहले हम गुरु नानक कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल थे जी। उसके पहले केम्पियम कॉलेज में हमने लंबा समय 10-12 साल वहाँ पढ़ाए, दैट्स माय अचीवमेंट एंड माय सब्जेक्ट वाज इकोनॉमिक्स। बोली सो अब मुझे सर बताइए एनएसयू में आपका एक्सपीरियंस
क्या सर, कैसा रहा? एनएसयू में, एनएसयू में मेरा एक्सपीरियंस समझ लीजिए कि जब 2011 में हमने इस कॉलेज में आया तो उस समय केवल एमबीए, बीबीए, बीसीए और बीसीए, हाँ, यही तीन कोर्सेस होती थी जी। और उस समय हमारे फैकल्टी केवल 14 फैकल्टीज थे। आज मोर देन 150 फैकल्टीज, मोर देन 3000 स्टूडेंट्स एंड सब स्टाफ मिला लेंगे तो प्राय 200 से ऊपर स्टाफ है। तो इट ग्रोज लाइक एनीथिंग विद इन दिस 10 डे बाई डे ग्रोइंग एंड इट हैज ग्रोन लाइक एनीथिंग। और हमारे यूनिवर्सिटी का एकेडमिक्स टॉप लेवल का एकेडमिक्स है, मतलब हम लोग वी कैन चैलेंज एनी वन इन